एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट 12 है ये। इसमें यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लिए हैं और इसमें उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो फैक्चुअल हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कथन है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड टू शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीमियम जो रिसीव होता है शेयर इशू करते समय वो क्रेडिट किया जाता है शेयर प्रीमियम अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कारण है, सिंस शेयर प्रीमियम इज नॉट अ ट्रेडिंग प्रॉफिट, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। क्योंकि शेयर प्रीमियम ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं बांटा जा सकता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही करेक्ट हैं और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग, इनको पढ़ना है। बेसिक डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो, करंट रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, चारों तरह के रेशियोज हैं, चारों ही लिक्विडिटी रेशियोज के टाइप हैं। अरेंज दीज रेशियोज इन सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको सीक्वेंस में सेट करना है जिससे लिक्विडिटी का एक ऑर्डर बने। तो इनको जब एक ऑर्डर देखेंगे तो इनमें जो सबसे कम लिक्विड रहता है या सबसे वास्ट रेशियो कहिए वो रहता है करंट रेशियो। करंट रेशियो के बाद सेकंड नंबर पे आता है क्विक रेशियो, उसके बाद और ज़्यादा लिक्विड हो जाता है सुपर क्विक रेशियो, और उसके बाद और ज़्यादा लिक्विड हो जाता है बेसिक डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप्स, सामान्यतः डिमांड कर्व का स्लोप कैसा रहता है। तो डिमांड कर्व का स्लोप रहता है डाउनवर्ड, बी डाउनवर्ड स्लोप रहता है डिमांड कर्व का ज्यादातर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू परफेक्ट कंपटीशन, निम्न में से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताता है। देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन बायर्स एंड सेलर्स, तो ये सही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। सेकेंड है, देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सही है। एंड देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। तो सेकेंड और थर्ड दोनों सही है और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओनली टू। एंड डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपोजिटरीज इन म्यूचुअल फंड्स इज अंडरटेकन बाय। डिपोजिटरीज या म्यूचुअल फंड्स पे डायरेक्ट सुपरविजन किसका रहता है, डायरेक्ट सुपरविजन इन पे रहता है सेबी का, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट इज, कंसीडर द ओलिगोपोली मॉडल्स, ये ओलिगोपोली के कुछ मॉडल्स हैं और इनको कंसीडर करना है। ओलिगोपोली मतलब अल्पाधिकार के कुछ मॉडल्स दिए हैं। पूछा है, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन, इनके ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन, इनके प्रादुर्भाव के ऑर्डर में क्रम में इनको अरेंज करना है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। सबसे पहले कॉर्नेल्स का डुओपोली मॉडल आया था फर्स्ट नंबर पे, इसके बाद फिर आया था स्विजीज किंग्ड डिमांड कर्व, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। इसके बाद फिर आता है न्यूमैन एंड मॉर्गेनस्टर्न गेम्स थ्योरी मॉडल, और इन सब में सबसे लास्ट आता है बोमोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी सैम्पलिंग की ऐसी टेक्निक है जो रिस्ट्रिक्टेड टेक्निक नहीं कही जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बाकी तीनों रिस्ट्रिक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जब रेस्पोंडेंट्स का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण केवल जेंडर के बेस पे किया जाए तो इसमें किस टाइप के स्केल का एप्लीकेशन किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉमिनल स्केल, इसको नॉमिनल स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज, कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्क्वेयर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोफिशियंट, यानी कि जो दो वेरिएबल होते हैं उनके रिग्रेशन कोफिशियंट्स का प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का रूट होता है कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट कोरिलेशन। नेक्स्ट इज, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज इंक्लूड, सोशल साइंसेज में रिसर्च के लिए यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, इसमें से ये तीनों ही होते हैं, ऑप्शन होगा डी, SPSSB, स्टाटा और मिनीटैब। नेक्स्ट इज, एफ टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन या अमाउंट, मतलब एफ टेस्ट का यूज किया जाता है वो
किसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है इसका डी, बी और सी दोनों ही सही है, यानी कि मोर देन टू सैंपल मींस के को और वेरिएंस ऑफ टू सैंपल्स को, इन दोनों के ही डिफरेंसेस के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए एफ टेस्ट का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई टू करेक्ट सीक्वेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, ये प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं और इनका करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आता है, वन नंबर पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश किया जाता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं वो तय किए जाते हैं, उसके बाद फिर डिटरमाइन किए जाते हैं अल्टरनेटिव कोर्सेज अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम किस तरीके से उन्हें अचीव कर सकते हैं, उसके बाद बारी आती है इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज, यानी कि जो अल्टरनेटिव कोर्सेज हमने डिटरमाइन किए उनको इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद बारी आती है सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स, यानी कि अब जब हम इवेल्युएट कर चुके होते हैं तो उनमें से जो बेस्ट लगता है उसका चुनाव करते हैं, और उसके बाद बारी आती है इस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, अब अपनी एक्टिविटीज का सीक्वेंस हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस विच वन इज नॉट ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कीथ डेविस के अनुसार इनमें से कौन सा ऐसा है जो बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन का, याद रखना है कीथ डेविस के अनुसार की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब है बी, टेक्नोलॉजिकल बैरियर ने नहीं बताया है, बाकी ये तीनों ही कीथ डेविस ने बैरियर बताए हैं कम्युनिकेशन के, फिजिकल बैरियर बताए हैं, पर्सनल बैरियर बताए हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर बताए हैं। नेक्स्ट है व्हाइल इस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन मास्लोज एंड हर्ज़बर्ग थ्योरीज विच नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, विच नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी, हायरार्की थ्योरी का मतलब है यहाँ पे मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की बात हो रही है, विल फॉल अंडर द हाइजीन फैक्टर्स, हाइजीन होती है हर्ज़बर्ग की हाइजीन थ्योरी है, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, इसमें पूछा जब इन दोनों का आपस में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो नीड हायरार्की थ्योरी के वो कौन सी नीड हैं जो हाइजीन फैक्टर्स कहलाती हैं हर्ज़बर्ग की थ्योरी में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोशल सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये शुरुआती नीड्स रहती हैं मास्लो की थ्योरी में। नेक्स्ट हॉवर्ड सेठ मॉडल, ये सेठ है SHETH, हॉवर्ड सेठ मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज पॉपुलरली नोन एज, हॉवर्ड और सेठ का मॉडल जो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है उसको एक खास नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसको मशीन मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स सच दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज वांट्स अकर विद मिनिमल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट इज नोन एज, मतलब जब जनरेट किया जाए या कोई फैसिलिटेट किया जाए, सुविधा दी जाए इस तरह की जिससे कि एक्सचेंज हो इंटेंडेड टू सेटिस्फाई और उस एक्सचेंज का उद्देश्य हो सेटिस्फाई करना ह्यूमन नीड्स को या ह्यूमन वांट्स को और इस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए कि इन वांट्स को सेटिस्फाई करते समय कम से कम मिनिमल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, कम से कम हानिकारक प्रभाव पड़े नेचुरल एनवायरनमेंट पे, तो उसको जाना जाता है किस नाम से, तो ऐसी मार्केटिंग को जाना जाता है ऑप्शन सी, ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग में कोशिश की जाती है मार्केटिंग करें लोगों के सेटिस्फाई करें नीड्स को लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए या कम से कम नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट इज ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूजेज आर डन बाय, इसमें कहा गया है, पूछा गया है कि सभी एक्टिविटीज जिनमें इन्वॉल्व रहती है वो एक्टिविटीज़ जो जिनमें इन्वॉल्व रहता है गुड्स को सेल करना है, सर्विसेज को सेल करना है डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर्स को और उनके पर्सनल नॉन बिजनेस यूज के लिए, मतलब घरेलू यूज के लिए, तो कौन करता है डायरेक्टली कस्टमर्स को सबसे लास्ट में सेल जो करता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिटेलर्स। नेक्स्ट है डागमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज टू मेजर, डागमार अप्रोच का यूज किया जाता है मार्केटिंग में किस चीज़ को मेजर करने के लिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। देखिए इसका ये जो एम है इसका मतलब होता है मेजरिंग और इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग और इसका मतलब है रिजल्ट्स, मतलब ये जो टेक्निक है इसका मतलब ही होता है मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, इसी चीज़ की अप्रोच है और ये मार्केटिंग से रिलेटेड अप्रोच है। नेक्स्ट है विच वन
इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहा जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कहा जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर पूछा है कि इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें बताना यह है कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। तो इसमें सही जवाब होगा इसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। देखिए यहाँ पे दोबारा जरा थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेसमैन का या बिजनेस का, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी बिजनेस का हो सकता है या बिजनेसमैन का हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब बात आती है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन द, प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है किस पे, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग या दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग। ये डिस्काउंटिंग की टेक्निक होता है और डिस्काउंटिंग पे ही बेस रहता है प्रेजेंट वैल्यू। इसमें फ्यूचर में कोई अमाउंट हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें 10 लाख रुपए चाहिए, तो आज हमें उसके लिए कितना जमा करना पड़ेगा, तो हमें उसको जैसे जब हम देखते हैं फ्यूचर के लिए हम इंटरेस्ट जोड़ते हैं, तो हम फ्यूचर से वापस आ रहे हैं प्रेजेंट के लिए, हमने 10 साल बाद 10 लाख चाहिए तो आज कितना जमा करना पड़ेगा, तो हमें जब इंटरेस्ट को नेगेटिव लगाएंगे तो उसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के उससे वापस चलते 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 कि आज कितना जमा कराना पड़ेगा, तो डिस्काउंटिंग इसी को कहते हैं। तो ये थे आज के, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।